नमस्कार मेरे भाइयों, मेरा नाम भरत सावनानी है और होंडा HR-V जो है बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाली है। इस गाड़ी का नाम बहुत सारे देशों में जो है विजन भी रखा गया है। ये सबसे पहले 2013 में जापान में लॉन्च हुई थी। ये गाड़ी जो है इसकी लंबाई जो है 4 मीटर से अधिक होगी। इस गाड़ी की हम इंजन की बात करें तो इसमें 2 इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 1.5 लीटर का VTEC पेट्रोल इंजन जो होंडा सिटी में भी अवेलेबल है। इसकी ताकत जो है 130 HP की है। इसमें जो है 6-speed मैनुअल गियर है। इसमें जो है ऑटोमेटिक वेरिएंट भी उपलब्ध है। ये गाड़ी आपको जो है 18 की एवरेज दे सकती है। दूसरा इंजन है 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो 6-speed मैनुअल के साथ आता है। ये आपको 22 की एवरेज दे सकता है और इसमें 4x2 वेरिएंट भी है। अगर हम इस गाड़ी के फीचर्स की बात करें तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स विथ डे टाइम रनिंग लाइट, सनरूफ, 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन सिस्टम एंड ब्लूटूथ, रेन सेंसिंग वाइपर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा विद गाइडलाइंस एंड सेंसर्स, पुश बटन स्टार्ट और स्टॉप, क्रूज कंट्रोल, ऐसे बहुत सारे फीचर्स इस गाड़ी में जो है दिए गए हैं। अगर हम सेफ्टी की बात करें तो 6 एयरबैग, ABS और EBD, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन कंट्रोल, 3 seat belts इन रियर सीट, बच्चों की सेफ्टी के लिए ISOFX, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिक्लाइन कंट्रोल, ऐसे बहुत सारे फीचर हो सकते हैं। इसमें जो है 17 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। ये गाड़ी जो है 12 लाख से स्टार्ट हो सकती है और 16 लाख तक जा सकती है। ये गाड़ी जो है सितंबर 2019 के आसपास लॉन्च हो सकती है। इसकी बूथ स्पेस की बात करें तो 448 लीटर दिया गया है। इसकी लेंथ की बात करें तो 4294 है। इसकी वाइड जो है 1772 है। इसकी हाइट जो है 1605 है। इसका व्हील बेस जो है 2610 है और इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है 200 mm का दिया गया है। होंडा HR-V का कंपटीशन जो है हुंडई क्रिएटा, जीप कॉम्पैक्स, हुंडई टुशन, महिंद्रा XUV500 और टाटा हायर के साथ है और हाल ही में लॉन्च हुई निशान किक के साथ है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।